हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रन, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे दो यूनिवर्सिटी के बारे में। एक है पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका एग्जाम को लेके क्या बोला जा रहा है, एंड सेकंड है रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी से एक इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस किया जा रहा है इस टाइम के अंदर। तो ये दो यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को अंत तक मस्ट देखिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एडुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या बोला जा रहा है। आप देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये ट्वीट किया गया था, जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, कि पंजाब यूनिवर्सिटी से जो यूजी एंड पीजी कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा उनका 17 सितंबर से ऑनलाइन मोड पे। तो जो अभी तक सोच रहे थे स्टूडेंट्स कैसे हो एग्जाम होगा, कब से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी क्लियर कर दिया गया है कि आपका 17 सितंबर से एग्जाम होगा एंड ऑफलाइन मोड पे नहीं होगा आपका। आपका घर के बाहर जाकर एग्जाम देने का कोई भी जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड पे, आप घर पे बैठे एग्जाम देंगे। फर्दर डिटेल्स भी होपफुली और भी बोला जाएगा, अभी के लिए जो बोला गया है मैंने आपको बताया 17 सितंबर से आपका एग्जाम चालू होने वाला है। तो और मोर आप बोल सकते हैं 10 डेज आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम है, तो इस 10 डेज के अंदर आप प्रिपरेशन कीजिए अपना, क्योंकि आपका 17 सितंबर से एग्जाम चालू होने वाला है जो टर्मिनल सेमेस्टर या फिर ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब आते हैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं वो टीचर्स इस टाइम के अंदर ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो इस टाइम के अंदर एग्जाम लेने के लिए बोल रहे हैं, तो एग्जाम हम लोग लेंगे कैसे जहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ है। मैं आपको यहां पे दिखा सकता हूं, ये बोला जा रहा है जहां पे सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है वहां पे किस बेसिस पे हम लोग एग्जाम ले सकते हैं, और अगर हम लोग एग्जाम ले तो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे कैसे। तो ये क्वेश्चन मैं भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि जहां पे कैलकटा यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ये बोला जा रहा है जहां तक आपका कॉलेज में पढ़ाया गया है वहां तक ही आपका एग्जाम होगा। अगर रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ नहीं पढ़ाया गया है, थोड़ा पढ़ाया गया है, बाकी आपका लॉकडाउन के टाइम के लिए पढ़ाया नहीं गया है, तो मैं चाहता हूं डेफिनेटली ये उनके कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से दिमाग पे रखना चाहिए, जो स्टूडेंट्स पढ़े नहीं हैं उसका एग्जाम नहीं लिया जा सकता। ये भी हम लोगों का एक लॉ का पार्ट है, एक एक्ट के अनुसार ये बोला जाता है कि अगर कोई स्कूल या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी कोई एक स्टूडेंट को कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट नहीं कराए तो कंप्लीट सिलेबस का एग्जाम लेने का राइट नहीं है वो यूनिवर्सिटी के पास। तो मैं चाहता हूं डेफिनेटली इसके बारे में रविंद्र भारती को सोचना चाहिए, और स्टूडेंट्स को पता होगा उनका सिलेबस खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका सिलेबस खत्म हुआ है तो नो प्रॉब्लम, एग्जाम हो। अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो मैं चाहता हूं डेफिनेटली आप कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोगों को जितना पढ़ाया गया है उतना के अंदर हम लोगों का एग्जाम हो। तो यही कुछ दो इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे इस वीडियो में देना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स था। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एडुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो का जय पेंट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।